Cerkutay. Huzur. Valida. अल्लाह के हुक्म से और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल के मुताबिक मेरी बहन आयगुल दिलेर जरकुताय से शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगता हूं। जरकुताय, मुझे बताओ क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे? जी मैं बिल्कुल रखूंगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और अब इंतजार करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। ख्वातीन, तैयारियां शुरू की जाए, कल ही होनी चाहिए ये शादी। बिल्कुल करेंगे करेंगे बेटा। जनाब, क्या आप मुझे इजाजत देंगे? बिल्कुल इजाजत है। अल्लाह अल्लाह बस भी करो पागल आदमी। जरकुताय, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये क्या हुआ। क्या कर रहे हो? संभालो खुद को, बाहर के लोग परेशान हो जाएंगे। लग रहा हूं भाई? माशाल्लाह मेरा भाई अच्छा लग रहा है। मेरे भाई, हाँ बहुत सा खाना लाओ, मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरी शादी में पेट भर के खाएं। फिक्र ना करो मेरे प्यारे भाई, लेकिन जरूरत तो तुम्हें है खाने की, हिम्मत से काम लेना। नहीं 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 नहीं, चलो। चलो। माफ करना लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। घूर क्यों रहे हो? चलो आ जाओ। कुमराल अब्दाल, यहां पर हूं मैं, यहां आओ। हमारा साथ यहीं तक था, अब तुम बाइज्जत मकसद के लिए ज़िबा हो रहे हो। मैं उदास नहीं हूं, और क्यों हूं भला? आप शादी के खाने में काम आएंगे, इससे बेहतर क्या मकसद होगा आपका? हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत के लिए है ये कुर्बानी। हे माशाल्लाह। चले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुनो मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी में सब कुछ सही से हो। तुम्हारे बाजू मजबूत हो मेरे भाइयों।
क्या इसका जायका अच्छा है? अच्छा है जर कुताए, अच्छा है। क्या आपने इसमें बहुत सा गोश्त डाला है? आराम से खाओ जर कुताए, तुम्हारे लिए ही बना है। शुक्रिया मेरे भाई। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। बस बहुत हो गया जरकुताए, तुम तो सब खत्म कर दोगे। अभी तक मेरा पेट नहीं भरा भाई, मैं खाता रहता हूँ लेकिन मेरा पेट नहीं भरता। ये इसलिए कि तुम बहुत खुश हो जरकुताए। हाँ अच्छा दरवेश, यही बात है इसीलिए। रुको जरकुताए, रुक जाओ बेटा बोरान, इसे कहीं और ले जाओ वरना ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा। जरकुताए इधर आओ मेरे भाई, इसे पकड़ लो जरा। इश्क का राज सबर है और सबर खुशी की तरफ ले जाता है। रब आपको खुश रखे। आमीन कुमरा लब्दाल, आमीन आमीन। तुम इतने पुरजोश क्यों हो भाई? हाँ आज मैं बहुत पुरजोश हूँ मेरे भाई। मेरे भाई का मजाक मत उड़ाओ, इस दिन के आने का इसने बहुत इंतजार किया। इन्हें मेरा मजाक उड़ाने दो इन्हें मजाक। आज से मैं अपनी आईगुल के साथ रहूंगा, ये चाहे जितना मजाक उड़ा ले। मैं थोड़ा और खाऊंगा, बस थोड़ा सा और। जहर कुताए नहीं बिल्कुल, चलो रहे हो? चलो जहर कुताए बस चले रहे हो मुझे। दे जाओ इसे। से तुम साथी हो मेरे। ये सरजमीनें हमारी शानदार रियासत का हिस्सा बनेंगी, जहां हम अपना निजामे आलम नाफिज करेंगे और फिर ता हद्दे नजर दूर दूर तक हर जगह उन वादियों से आगे, उन पहाड़ों से भी आगे काइयों का झंडा लहराया जाएगा। अल्लाह का नाम और उसका दिया हुआ पैगाम पूरे जहान में फैलाऊंगा। या रब्बी या रब्बी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है ताजिर, मैं बस तिजारत करना चाहता हूँ। क्या ले जा रहे हो?
मेरा सामान फरोख्त के लिए नहीं है। हर ताजिर को जब मुनासिब कीमत मिलती है तो वो अपना सामान बेचता है। अगर ये मेरा होता तो बेच देता, लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूँ, समझे? ये गेहातू का है। अगर तुम इसरार करते रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, बल्कि तुम, तुम्हारे जानवर और तुम्हारे ये सारे आदमी भी। मैं 10 गुना कीमत अदा करूंगा तुम्हें। हम सामान अपने साथ ले जाएंगे ताजिर, और मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बदले में तुम मुझे वहां ले जाओगे जहां तुम ये सामान ले जा रहे थे, और फिर तुम जिंदा भी रहोगे ताजिर। खून बहाया जाएगा, बहुत खून बहाया जाएगा कि हाथों कयामत टूट पड़ेगी उन पे। मैं अजीम गेहादू की आंखों में खून देख रहा हूँ। आसमान का खून होगा। देखो, बताओ मुझे। उनका खून जो आपकी नाफरमानी करते हैं। सरों के बारे में बताओ मुझे, मुझे उनके सर कलम करने हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनके जिस्मों पर सर नहीं है। गेहादू आप ये जंग जीत जाएंगे। इस सरजमीन पर सिर्फ आपका राज होगा। हाँ राज, मेरा ही राज होगा सारी जमीन पर। ये फैलेगी जैसे जैसे आप खून बहाएंगे, तो आपकी हुक्मरानी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। सरजमीन फिर अर्गुन खान का तख्त, अर्गुन खान का तख्त मिलेगा मुझे। फिर सारी दुनिया, पूरी दुनिया, कुल दुनिया, तमाम दुनिया। एक अरसे से जंग जारी है कोशिश, थक तो नहीं गए? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे खानदान के लोग मैदान जंग में सदियों से बहादुरी से लड़ते मरते रहे, इसलिए लड़ने से थकना हमारी फितरत में नहीं, बल्कि मौत जितने करीब होती है मेरे, उतना ही वो जिंदगी का एहसास दिलाती जाती है मुझे। मौत हमेशा हमारे करीब होती है। ये बताओ कि कला तो याद आता होगा। जिस तरह आप अपनी सरदारी को याद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपने कले को भूल नहीं पाता। तो फिर वक्त आ गया है कि कला लिया जाए वापस। अरमान काय कले के सरदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हमारी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। तो क्या मैं ये समझूं कि आपकी मुहिम का इख्तिताम हो गया? मेरा कला मिलने तक हमारा इत्तेहाद है। ये तो वक्त ही बताएगा। और गुंदुस के बारे में क्या कहते हैं? उनका क्या ख्याल है कले के लिए? वो कले की ज़ियारत के लिए वहां आएंगे।
जो सवाल करना हो कर सकते हो उनसे। ठीक है, मैं पूछ लूंगा उस्मान से। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूं आपका हर चीज के बारे में। अगर तो कहीं काइयों की जरूरत पेश आती है तो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, सलामत रहें आप। शुक्रिया। हाथू का सामान है ये, देख सकते हो। चलो जाओ। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? जवाब दो। रास्ते में डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया था। तुम्हें कत्ल क्यों नहीं किया उन्होंने? हमने बताया कि यह सामान गेहातू का है, कोई भी जानबूझ के मौत के मुंह में नहीं गिरता। रुक जाओ, वो वहां है। सलजू की रियासत से गद्दारी की सजा मौत है। उस्मान ने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। तुम उसे और उसके साथ मौजूद लोगों को रियासत सलजूक के लिए कत्ल कर दोगे। वजीर हजरत, वहां पर मौजूद हर शख्स तुर्कमान है, क्या आपको यकीन है? तुम्हें किसने ये इजाजत दी है कि अपने आखा के हुक्म पर सवाल करो कोनूर? मेरा वफादार साथी अगर उस्मान के साथ काम करता है तो वो गद्दार है। गद्दार को तुर्कमान के तौर पर अलग नहीं कर सकते। तुम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। अब तुम नहीं बचोगे उस्मान। आपको याद है उस्मान साहब, आपने मुझे कुछ बताया था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हम आपको अपना भाई समझते हैं। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आप जैसा ही हूं उस्मान साहब? घुड़सवारी देख के। हमारे अलावा कोई भी ऐसा सवार नहीं हो सकता घोड़े पर। बहुत शुक्रिया। आपको मालूम होना चाहिए, जब से मैं आपके साथ शामिल हुआ मेरे दिल को इत्मीनान है। शुक्रिया जनाब। उस्मान, ये जान है। Yeah!
क्या आप ठीक है जनाब? ये कैसे हुआ कुनूर? हर जगह तलाश करो। लगता है कि ये एक जाल था। चलें आपको जंगल से निकालते हैं, हो सकता है कहीं और जाल ना हो। उस्मान इसकी कीमत अदा करेगा। शुक्रिया तुम्हारा कोनूर। आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। उस्मान मेरी हर हरकत कैसे जान लेता है? वजीर आलम शाह को मालूम है कि सरदारों के साथ आपकी दावत का मकाम कहां है। वो जरूर हमला करने आएगा। कोई नहीं जानता सरदारों के अलावा इस बारे में, तो इसका मतलब गद्दार सरदारों में से ही कोई है। जनाब मैं आपको ये मालूमात दूंगा, लेकिन वजीर को मजीद शक हो रहा है। आप उसे हर वक्त मार रहे हैं। पहले वजीर के शकों को शुबहात को खत्म किया जाए और यूं वो गद्दार भी जरूर मिल जाएगा। मैं जाल बिछाऊंगा और उस जाल से वजीर को तुम बचाओगे। हम उसे फंदे की तरफ खींच सकते हैं, लेकिन हम उसे मार क्यों नहीं देते? अकलमंदी से काम लेना चाहिए। मालूमात ही सब कुछ है। वजीर को जिंदा रहना चाहिए। वो जिसे हम जानते हैं वो दुश्मन है, और तुम भी उसके साथ हो। उसकी हर चाल को हम जानते हैं। उससे पहले हम के हाथों को जहन्नम फसल करेंगे। जैसे आपका हुक्म जनाब। सिपाहियों घोड़े ले आओ, हम सऊद जा रहे हैं। उस्मान, जो दर्द तुम्हें सहना है उसे तुम बढ़ावा दे रहे हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे सरदारों को सऊद के दरवाजे पर लटकाऊंगा। माशाल्लाह मेरी बेटी, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। अल्लाह का शुक्र है मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ। वालिदा, उस वक्त साथ दिया आपने मेरा जिस वक्त मेरे अपने माँ बाप मेरे साथ नहीं थे। आपने मुझे अंधेरों से निकाला है, हमेशा मेरे रास्ते की रोशनी बनी। मैं कैसे आपका हक अदा करूंगी? आने वाली जिंदगी खुशी से गुजार कर। चलो अब रोना बंद करो। चलो सब इसकी चादर लाओ, इसको पहनाओ। ये लीजिए अम्मा। पहले वो पहनाओ उसे। माशाल्लाह। इधर आओ। बिस्मिल्लाह। सलजान माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? घबराओ नहीं मेरी बच्ची। हाँ आ जाओ जरकुताए। बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? जरकुताए, जरकुताए, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। शायद इसका क्या काम है? माँ, जब आप मेरी खातून के लिए जहेज की तैयारी कर रही थी, आपने कहा था कि आपका मुंह मीठा करने के लिए शहद की जरूरत है, और इससे इसकी जरूरत हो सकती है, इसीलिए मैं शहद ले आया। हाँ ये अच्छा किया। अरे माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा। ये इसकी जबान को मीठा करने के लिए। आमीन। चलो जाओ अब तुम। माँ इसे थोड़ा और खिलाए। मैं इसे खिला चुकी हूँ। इससे भी अकल की जरूरत है, थोड़ा इसको भी खिला दीजिए। बेटी देखिए माँ, ये काफी नहीं है,
जब तक मैं बाहर से और लेकर आता हूँ आप इसे ये ऐसा सोचना भी मत। ये पागल आदमी ऐसे हरगिज नहीं मानेगा। माँ चुप, बाहर निकलो इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूँ। चलो जाओ यहाँ से। जाओ, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मुझे आपके मीठे अल्फाज की जरूरत है। मैं आपसे मोहब्बत करूंगा चाहे कुछ भी हो। बहुत शरारती हो तुम, बाहर जाओ, चलो जल्दी। दुनदार की साहबजादी आईगुल, क्या आप चंगेज के बेटे जरकोताए के साथ निकाह कबूल करती हैं? इस सूरत में कि आपका शोहर बतौर हक महर 100 सोने के सिक्कों और 10 भेड़ बकरियों की सूरत अदा करे, कबूल करती हैं? कबूल है। कबूल करती हैं? कबूल है। कबूल करती हैं? जी कबूल है। चंगेज के बेटे जरकोताए, क्या आप दुनदार की बेटी आयगुल को बाएवज इस महर के अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी कबूल करता हूँ। कबूल करते हैं? कबूल है। क्या कबूल है? कबूल है। क्या आप इस निकाह के गवाह हैं? हम गवाह हैं। जी हाँ शेख मोहम्मद। अल्लाह आपकी ये शादी मुबारक करे। आमीन आमीन। अल्फातिहा।